नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 जुलाई 2018 राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसपी के लिए, एलडीसी के लिए, एसआई और लैब असिस्टेंट, महिला प्रवेश से कृषि सुपरवाइजर, कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स लेके आए हैं। दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स डेली के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाल और इस बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अभी जो हमारा टारगेट चल रहा है, उद्योग प्रसार अधिकारी के पेपर हमने 4 अपडेट कर दिए गए हैं और बाकी के पेपर हम जल्द से जल्द अपडेट कर देंगे। जो टाइम हमारा रहेगा दिन के अंदर 11 बजे और रात 9:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में आरएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। उड़ता राजस्थान ऑपरेशन किससे संबंधित है? तस्करों के लिए। किसके लिए? तस्करों के लिए। ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में चला गया। कहाँ चला गया? हनुमानगढ़ जिले के अंदर चला गया। हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां नंबर का जिला बना था। जो ये हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग होकर राजस्थान का 31वां जिला बनकर तैयार हुआ था। तो आप हमें बताएंगे हनुमानगढ़ 31वां जिला कब बना था। अगला प्रश्न देखिए, थर्मल सुपर प्लांट सूरतगढ़ में हाल ही में कितने विद्युत इकाई बंद करने का निर्णय लिया? 5वीं और 6वीं विद्युत इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया गया है। ये सुपर थर्मल पावर राजस्थान का प्रथम थर्मल सुपर प्लांट है, सूरतगढ़ के अंदर। ये गांव पूछे तो ठुकराना गांव के अंदर। किस गांव के अंदर? ठुकराना गांव के अंदर, गंगानगर के अंदर। गंगानगर का प्राचीन नाम रामनगर है और ये रूस की सहायता से चल रहा है। ये एक कृषि फार्म भी है, सूरतगढ़ कृषि फार्म, जो रूस के सहयोग से चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म पूछे तो सूरतगढ़ कृषि फार्म है। अगला देखिए, भाजपा का प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण कहाँ किया गया? यानी प्रदेश में राज्य का प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया था। ये चौमू जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। इसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना, वर्तमान के अंदर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? तो मदनलाल सैनी है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राज्य की किस जिले का दौरा किया? तो जालोर का दौरा किया। प्राचीन नाम जावलीपुर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री पारस चंद हैं। अगला देखिए, शहीद कालीबाई पैनोरमा का लोकार्पण कहाँ किया गया? डूंगरपुर के अंदर किया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कालीबाई का पैनोरमा लॉन्च किया गया, पैनोरमा का लोकार्पण किया गया। तो आपको ध्यान रखना, पैनोरमा जो शहीद स्थल है और जो मिंदर है, उनको पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए पैनोरमा बनाया जा रहा है। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जगह पैनोरमा बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा करंट अफेयर्स था। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शिविर 25 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर के अंदर आयोजित किया जाएगा, राजधानी जयपुर के अंदर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें और आप हमें सुझाव आप में कमेंट के रूप में देते रहे कि सर आपके क्या सुझाव है। नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।